पिछली जो हमारी वीडियो थी मारुति ब्रेजा 2022 पे, उसमें हमने आपको बताया था कि क्या कुछ गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाला है 2022 के फेसलिफ्ट के अंदर। आज की वीडियो इस टॉपिक पर है कि 10 ऐसे रीज़न हम आपको बताने वाला है जिस रीज़न को आप कंसिडर करके ब्रेजा 2022 का वेट कर सकते हैं, या फिर इस रीज़न को कंसिडर करके आपको अभी वाली ब्रेजा जो है उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए और वेट करना चाहिए ब्रेजा 2022 का। हमने आपके लिए वो वीडियो पहले ही बना दी है जिसमें हमने आपको ब्रेजा के बारे में सारी डिटेल्स डिटेल में बता दी है कि क्या कुछ रहने वाला है नई फेसलिफ्ट के बारे में। तो अब इन 10 रीजंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पहला रीज़न जो है मेजर अपडेट। अभी जो ब्रेजा है उसको फेसलिफ्ट दे के काफ़ी टाइम भी हो चुका है मारुति को, और ये गाड़ी की जो प्लेटफॉर्म है वो भी अभी पुरानी हो चुकी है, लुक्स पुराने होने लगे हैं। तो मेजर अपडेट आपको 2022 वाली फेसलिफ्ट के अंदर मिलने वाला है। अगर आपको उसका फ़ायदा मतलब उसको आपको पसंद है, नया अपडेट मेजर अपडेट आपको पसंद है, तो आपको रुकना चाहिए नई ब्रेजा के लिए। सेकंड पॉइंट मार्केट या फिर मार्केट वैल्यू। अभी जो ब्रेजा है उसकी भी मार्केट वैल्यू काफ़ी तगड़ी है, लेकिन इसके आने के बाद और ज़्यादा बुकिंग्स होने लगेगी, सेल्स और ज़्यादा बूस्ट होने वाली है, वो तो पक्की बात है। मारुति की गाड़ी है तो मार्केट वैल्यू और ज़्यादा तगड़ी स्ट्रांग होने वाली है, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स। अभी जो गाड़ी के साथ में LXi, VXi, ZXi या ZXi प्लस, VXi प्लस जैसे जितने भी वेरिएंट्स आते हैं उन सब के सब फीचर्स आपको 2022 फेसलिफ्ट में भी मिलने वाले हैं, लेकिन आपको मोर वैल्यू फॉर मनी मिलने वाला है, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको वो पैकेज प्रोवाइड करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट है फीचर्स। फीचर्स जो अभी मारुति ब्रेजा में हो ना के बराबर है, 2 एयरबैग्स तक के आपको फीचर्स मिलते हैं। नई ब्रेजा 2022 में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, फॉर इंस्टेंस आपको कुछ एडवांस फीचर्स मिलेंगे जो अभी तक आपने नहीं देखे हैं ब्रेजा के अंदर। आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड या फिर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तो नहीं मिलेगी, लेकिन ZXi प्लस में 6 एयरबैग्स मिलने वाली है आपको। और साथ ही में फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो सेफ्टी के नाम पे आपको नया प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। अभी ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म रहता है या फिर हार्टेक प्लेटफॉर्म रहता है वो तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म ही रहा तो मारुति वाले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने वाले हैं स्टील को, इस वजह से गाड़ी का वज़न भी बढ़ेगा, और जैसा बलेनो के साथ में हुआ ऐसा ही ब्रेजा के साथ में भी होगा। अगर हार्डटेक प्लेटफॉर्म को नहीं लाए और वज़न बढ़ाया तो फिर जो सेफ्टी रेटिंग्स है वो अभी जितने 4 स्टार है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाने वाला है, तो सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है ब्रेजा 2022 में। 6th पॉइंट की बात करें तो गेयरबॉक्स और वेरिएंट्स। गेयरबॉक्स आपको और ज़्यादा ऑप्शंस में मिलने वाला है, जो अभी आपको पेट्रोल के साथ में AMT मिलता था, जो अब आपको 2022 से टॉर्क कन्वर्टर मिलने लगेगा, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। 7th पॉइंट की बात करने वाला है अब, तो वो है मोर अपीलिंग डिज़ाइन। अभी जो आपको डिज़ाइन मिलते हैं वो अभी जो ब्रेजा को जब से लॉन्च किया है मारुति ने तब से कैरी फॉरवर्ड होते जा रही है। ये डिज़ाइन लैंग्वेज जो फ्रंट एंड रियर में हम देखते आए वो अभी काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है, तो अब नई में मारुति पूरा रीडिज़ाइन करने वाली है। तो आपको अगर नई डिज़ाइन पे अट्रैक्शन है या फिर आपको वो पसंद है तो भी आप रुक सकते हैं ब्रेजा फेसलिफ्टेड 2022 के लिए। 8th पॉइंट है बेटर ओवरऑल देन एवर। अभी तक की जितनी भी फेसलिफ्ट आए हैं मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के, उनमें से सबसे ज़्यादा किफ़ायती और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक दे तो वो ये फेसलिफ्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चेंजेस मारुति ने किए ना, बल्कि चेंजेस लेकिन काफ़ी सारे सुधार किए हैं जो कि एक्चुअल में ज़रूरत थी गाड़ी में करने की, और अब हो चुके हैं। तो गाड़ी को ओवरऑल परफेक्ट बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये काफ़ी लोगों की मनपसंद होने ही वाली है। 8th पॉइंट के बाद अब 9th पॉइंट की बात करें तो CNG, इनबिल्ट CNG आपको गाड़ी के अंदर मिलने वाला है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। जिन लोगों को ब्रेजा पेट्रोल खरीदनी थी और फिर CNG करनी थी पेट्रोल खरीद के, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि CNG इनबिल्ट आपको मारुति सुजुकी दे देगी ब्रेजा के अंदर। तो ये भी एक पॉइंट है जिससे आप कंसिडर करके रुक सकते हैं ब्रेजा 2022 के लिए। 10th पॉइंट है अफोर्डेबल प्राइजेस कंपेयर टू द कंपटीशन। आप हमेशा से ब्रेजा वैल्यू फॉर मनी रही है, फिर चाहे आप कंपीट कर लो दूसरे राइवल से इसके सेगमेंट में, तो आपको हमेशा ये वैल्यू फॉर मनी ही पैकेज प्रोवाइड करती आ रही है। तो एक फैक्टर वो भी है कि अफोर्डेबल प्राइजेस तो नए फेसलिफ्ट में भी रहने ही वाली है। तो ये 10 रीज़न ऐसे थे जो तगड़े रीज़न है कि आपको रुकना चाहिए मारुति सुजुकी ब्रेजा 2022 के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।